तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ रोड का दृश्य, बोले तो रोड की साइड। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ सुबह सुबह, कहा ये आपको आगे आगे वीडियो में पता लगेगा। इतनी धूप है ना भाई, धूप में तो अपने आप को कवर करना ही बढ़िया है। देख रहे हो आप कितनी धूप हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मेरी मॉर्निंग भी है क्या से रोड से। तो यहाँ पे मैं बैठी थी ऑटो में अकेला, क्योंकि जो दो बैठे हुए थे वो उतर गए थे। फिर मेरे साथ क्या हुआ कि उसने मुझे भी उतारा, बोला किसी और ऑटो में चले जाओ। तो ये थी मेरी बेइज्जती। और ये है क्या, ये है भोलेनाथ का मंदिर, और इसके बगल में ही है हनुमान जी का मंदिर। तो आज था मंगलवार, तो मंगलवार के होने के कारण आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। बहुत सारा प्रसाद था, प्रसाद की दुकानें थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था आज। तो ये थी वो स्पेशल जगह जहाँ की मैं सुबह सुबह गई थी बाबा के दर्शन के लिए। तो ये दिन रोज आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये है बाबा के दर्शन, जो कि मैंने आप लोगों को भी करवाए, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे मैं निकल चुकी थी मंदिर से घर की ओर। तो ये देख रहे हो आप रोड में, मतलब जब मैं मंदिर में पहुंची थी तब भी भीड़ थी रोड में, और जब मैं वापस आ रही हूँ तब भी भीड़ थी, बोले तो तब भी ट्रैफिक था। तो दोनों टाइम ट्रैफिक था, तो सबसे बढ़िया है पैदल चलना। तो मैंने पैदल चल के अपना रास्ता आधा कर दिया, बोले तो आधे में से ऑटो लिया। फिर मैं बैठ गई ऑटो में, ये देखो मिल गया था मुझे जल्दी, बहुत जल्दी ऑटो। फिर ये आंटी बात कर रही थी। तो पहुंच गई हूँ मैं घर, और घर आके देख लो मेरे हाल क्या हो गए। इतनी गर्मी हो रही है बाहर बहुत ज्यादा, ये यहाँ पे आराम फरमा रही है। और ये बता रहे अपने काम कर दिया, देखो डायरी बोल के पता नहीं क्या करते। ये मेरे बारे में अगली सूचना दे रही हूँ, मैं भी अभी एक चक्कर लगा के राशन की कितनी भीड़ है, इसीलिए मैं लेटी। जो सामने पे दिखता है वही बोला जाता है ना, अभी तो मुझे लेटी। हमने मंगवाई थी मुझसे फ्रूटी, तो मैं दो इस लेने लाई क्योंकि मेरे पे चेंज सिर्फ 10 रुपए थे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, ये अच्छी बात है। इस पर बहुत फर्क पड़ जाता है लेकिन अगर इसको लेना रहता है। तो यहाँ पे दीदी और मैं निकल गए थे जेडी के साथ राशन के लिए। तो अभी तो मैंने आटा भूना है सिर्फ, और दूध उबालने रखा है। मेरे पसीने से देखो क्या हाल हो गई, इतनी गर्मी हो गई ना यहाँ बहुत ज्यादा। देखो आपको मेरा हाथ में दिखा, कितनी गर्मी हो गई यार बहुत ज़्यादा। तो आज गौरी पढ़ा, तो यहाँ पे हमारी गौरी पढ़ा रही है राघव को। इसका बिल्कुल भी मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बच्चा। तो हेलो दोस्तों, तो अभी तो फिलहाल मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि सब्जी का अरेंजमेंट कुछ है नहीं, बोले तो सब्जी खत्म हो गई और हम वेट कर रहे थे कि कोई आ जाएगा तो हम यहीं से सब्जी ले लेंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। तो फिर दीदी और जीजू गए हैं सब्जी लेने, वो लाएंगे फिर जल्दी से बन जाएगी। तब तक मैंने सोचा मैं रोटी बना लेती हूँ ताकि एक काम मेरा ख़त्म हो जाए। बाकी दूध वगैरह मैंने सारा गर्म कर लिया। तो आज का दिन रहा काफ़ी अच्छा, क्योंकि आज मैंने किए सुबह सुबह बाबा के दर्शन। तो जब
जिस दिन मैं बाबा के दर्शन करती हूँ तो वो दिन मेरा अच्छा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही दिन मेरे रोज आते रहे जिसमें मुझे सुबह सुबह बाबा के दर्शन करने को मिले। और वहाँ पे एक आंटी भी मिली थी तो वो वीडियो में दिखेगी आपको, तो काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रही थी तो अच्छा लगा। कई कई बंदे ऐसे होते हैं ना, स्वीट से होते हैं, अच्छा लगता है बात करना, तो वो वैसी थी थोड़ा फ्रेंड टाइप की, तो अच्छा लगा बात करके। सब्जी तो मैंने काट दी है, अब मैं बना रही हूँ सब्जी फटाफट से ताकि हमारा काम पूरा का पूरा खत्म हो जाए। देख रहे हो इसके पापा फोन देख रहे हैं और ये ऐसे लेटी हुई है, देखो ऐसे लेट जाती है, और जैसी आवाज बंद होती है देखो एक्सप्रेशन पूरे दे रही है अभी। अभी तक तो ये चिपकी हुई थी किस पे, अपने पापा पे, और अभी ये चिपक गई है चाचा पे, इसकी वजह से। भाव कह रही है भाव लगाओ, कह रही मैं ही लगा देती हूँ खुद। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, इसी उम्मीद के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं हम यही एंड। मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कमेंट करना ना भूले। जय श्री राम, हाथ जोड़ो दोनों, जय श्री राम। आज हमारा छोटा पक्षी भी हमारे साथ है क्योंकि हम सब सो रहे हैं एक रूम में। जय श्री राम करो, जय श्री राम।